दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों बीजेपी में क्या गए, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो हड़कंप ही मच गया है। वैसे आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बीजेपी का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले निरहुआ भोजपुरी के चौथे स्टार है। जी हाँ, इसके पहले मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ। वैसे भी लोकसभा चुनाव नजदीक है और निरहुआ से बेहतर विकल्प लगता है बीजेपी में अखिलेश यादव के खिलाफ किसी को नजर ही नहीं आया। और बस इतना काफी था अखिलेश यादव के प्रशंसकों को निरहुआ को ट्रोल करना। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आजकल निरहुआ खूब ट्रोल हो रहे हैं और जमकर ट्रोल हो रहे हैं। किस लिए? आप सभी को पता है कि वो आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ यानी कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि ये कांटे की टक्कर तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव का वहाँ दबदबा है। ये उनके पिताजी की सीट रही है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर चुनाव लड़ा है और आज तक कभी नहीं हारे हैं। और अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के वोटों को वो काट सकते हैं, लेकिन ये भी असमंजस की बात है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को युवा तो वोट कर सकते हैं, लेकिन जो सदियों से अखिलेश यादव के परिवार को वोट देते आ रहे हैं वोटर, वो शायद ही दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट दे। कई ट्रोलर ने तो निरहुआ के लिए ये तक लिख दिया है कि उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। लेकिन आपको बता दें कि अपने हर एक इंटरव्यू में निरहुआ ये कहते नहीं थक रहे हैं कि देशभक्ति उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए देश की सेवा के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ेंगे तो अपने यादव भाइयों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वैसे भी अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देना निरहुआ के लिए टेढ़ी खीर ही साबित होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जैसे गद्दावर नेता को हराने के लिए बीजेपी में शायद कोई चेहरा नहीं मिल रहा था, इसलिए निरहुआ को उतारा गया। ऐसे भी कई ट्रोलर हैं जो निरहुआ को ये सारी बातें कहकर ट्रोल कर रहे हैं। वो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ किस तरह की छाप छोड़ पाते हैं अपने इस लोकसभा चुनाव में। वैसे भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को भोजपुरी का हर बड़ा सितारा उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए बधाई दे चुका है। वैसे आपको बता दें कि खुद दिनेश लाल यादव निरहुआ गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनका मानना है कि कई स्टेज शो वो आजमगढ़ में कर चुके हैं और वो आजमगढ़ की समस्याओं से भली भांति परिचित है, जिससे उन्हें जमीनी तौर पर अपने लिए प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखना आगे दिलचस्प होगा कि कितना सहज महसूस कर पाता है एक अभिनेता नेता बनकर। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।